एक तरफ राहुल गुजरात जीतने निकले हैं तो दूसरी तरफ पार्टी कार्यकर्ताओं की जूतम पैजार उनकी चिंता बढ़ा रही है। पटना में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की बैठक में संस्कारों का अंतिम संस्कार कर दिया। बीच बैठक में ही खूब लात घूंसे चले और गालियों का तो रिकॉर्ड कायम हो गया। एक तरफ राहुल पूरा जतन कर रहे हैं गुजरात में जीत के लिए, सालों पुराना सेकुलर सिद्धांत तक त्याग दिया, लेकिन कार्यकर्ता है कि तलवारें तानने से बाज नहीं आ रहे। पटना में कांग्रेस की बैठक में पार्टी के संस्कारों का अंतिम संस्कार कर रहे थे कार्यकर्ता, एक दूसरे का चीरहरण जारी था। जिस पर हाथ साफ करने का मौका मिला वो पीछे नहीं रहा, सब एक दूसरे की पैंट उतारने में तुले थे। गाली गलौज से तो इतिहास जीवंत हो रहा था। मोदी के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई मीटिंग में कब मोदी के जयकारे लगने लगे पता ही नहीं चला। दरअसल बिहार कांग्रेस का एक गुट पार्टी के दूसरे गुट को मीटिंग से दूर रखना चाहता था। पार्टी दफ्तर के मेन गेट पर पहुंचते ही दूसरे गुट ने अशोक चौधरी गुट का विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ महीने पहले बिहार में महागठबंधन टूटते ही जेडीयू ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई। इसके बाद कांग्रेस में फूट पड़ने लगे। अशोक चौधरी का उनकी ही पार्टी के कुछ विधायकों ने विरोध करना शुरू कर दिया और नीतीश के इशारे पर चलने का आरोप लगाने लगे। राहुल ने बिहार का दौरा कर मनमुटाव को पाटने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष तक बदल दिया गया। वैसे कांग्रेस में हाल के दिनों में जूता पैजार का दौर चरण पर है। चुनाव वाले राज्य हिमाचल में तो शिंदे के सामने ही जूते चलने लगे थे। अब चाहे राहुल कितना ही मंदिर क्यों ना घूमे, माथे पर कितना ही त्रिपुंड क्यों ना लगा ले, जब तक कार्यकर्ताओं में अनुशासन नहीं होगा पार्टी में यूं ही सिर्फ टवल का दौर चलता रहेगा। बिहार में कांग्रेस लगभग टूट के कगार पर पहुंच गई है। शीर्ष नेतृत्व के फैसले को जब पार्टी में चुनौती दी जाने लगे तो समझिए उस पार्टी का भगवान ही मालिक है। रिपोर्ट समाचार प्लस।